नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फुल टू नॉलेज पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने Facebook अकाउंट को ईजिली डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली, वो भी अपनी मेमोरीज को डिलीट किए बगैर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जो भी आपके Facebook अकाउंट पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं उसको बिना डिलीट किए आप अपने अकाउंट को अब परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है जिस भी अकाउंट को आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपनी अकाउंट डिटेल्स डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको राइट हैंड साइड पर यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही होंगी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। और इसके नीचे फर्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स, उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे देखेंगे योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन में सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर फोटोज़ और वीडियोज़ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप को चूज़ डेस्टिनेशन में, यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन चूज़ करनी है कहाँ पे आप वीडियो और फोटोज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी एक ही ऑप्शन है, गूगल फोटोज़, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या वीडियोस, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम पहले फ़ोटोज़ को ट्रांसफ़र कर लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास इस अकाउंट में केवल फ़ोटोज़ हैं, कोई वीडियो हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको गूगल अकाउंट लॉगिन करना है यहाँ पे, ठीक है। आजकल ऑलमोस्ट सभी लोगों का जीमेल पे अकाउंट होता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो देखेंगे नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट का, आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए @gmail.com, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो जीमेल का पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और इसके बाद आपसे फेसबुक परमिशन मांगेगा अलाउ करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंफर्म ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे कंफर्म ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे देखिए आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फ़ोटो ट्रांसफ़र टू गूगल फोटोज़, पेंडिंग दिखा रहा है अभी, ये कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारी फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र टू गूगल फोटोज़ में हो चुकी हैं, कंप्लीटेड शो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली आप यहां से अगेन डेस्टिनेशन पे गूगल फोटोज़ पे जाके फ़ोटोज़ की जगह वीडियोज़ को चूज़ करके और नेक्स्ट ऑप्शन करके अगेन सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपकी वीडियोज़ भी यहां पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और अगर आप फेसबुक का अदर डेटा भी बैकअप लेना चाहते हैं जैसे कि मैसेंजर चैट, पोस्ट, लाइक्स, फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आना होगा और राइट हैंड साइड पे जो आपको 3 लाइन्स दिख रहे हैं इस पर सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर ऑप्शन सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे सिंगल क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा और नीचे आना है जहाँ पे हमने ट्रांसफ़र अ कॉपी ऑफ योर फोटोज़ और वीडियोज़ वाले ऑप्शन से ऊपर आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको सिंगल क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट को, जो भी आपके फ़ोटोज़, पोस्ट या अकाउंट है वो आपके फ्रेंड्स को विजिबल नहीं होगा, ये टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट होगा, मतलब कि आप फ्यूचर में इसको अगेन रीएक्टिवेट कर सकते हैं और इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपको परमानेंट डिलीट करना है तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन को आपको चुनना होगा और उसके बाद नीचे कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फेसबुक रीज़न जानना चाह रहा है क्यों आप इस पर को डिलीट करना चाहते हैं,
तो आपको जो सा भी ऑप्शन सुटेबल लगता है वो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आप फोटोज़ और वीडियोस का बैकअप लेना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपके इस फेसबुक अकाउंट पे है, जैसे कि पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज़ या कोई भी अदर जो इन्फॉर्मेशन आपने अकाउंट पे अपलोड कर रखी है, वो सभी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका बैकअप ले सकते हैं। और आगे चल के कोई आप दूसरा फेसबुक अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाउनलोड इन्फो पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं जो आपके फेसबुक अकाउंट पर है, वो यहाँ पे सभी को आप टिक मार्क कर सकते हैं, जैसे पोस्ट, फोटोज़ एंड वीडियोस, कमेंट्स, लाइक्स एंड रिएक्शंस। अगर आप किसी भी इनमें से एक ऑप्शन जो आपको लगता है आपके काम का नहीं है, उसका बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसको अनमार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सभी को सिलेक्ट करने देते हैं और सबसे नीचे आना है। नीचे देखेंगे आपको डिट्रेंच फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आप ऑल ऑफ माई डेटा कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग से जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था जब से लेकर आज तक का, अदरवाइज डेट रेंज की पर्टिकुलर डेट का डेटा चाहते हैं उस डेट रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करके भी डेटा बैकअप ले सकते हैं। हम यहाँ पे ऑल ऑफ माय डेटा पे रहने देते हैं। और सेकंड ऑप्शन है फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट में बैकअप चाहते हैं, HTML या JSON। हम यहाँ पे HTML रहने देंगे। और मीडिया जो क्वालिटी जो आप डेटा का बैकअप चाहते हैं, वो हाई क्वालिटी का, मीडियम या लो क्वालिटी का, इसको हम हाई रहने देते हैं। और नीचे क्रिएट फाइल पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें शो हो रहा है August 8, 2020 से लेकर August 11, 2020 तक का जितना भी डेटा है हमारे प्रोफाइल पे, जैसे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, पोस्ट, लाइक्स एंड रिएक्शंस एंड मोर, जितनी भी डिटेल्स हमने वहाँ पे सिलेक्ट रखी थी, उन सभी का बैकअप लेना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे अभी पेंडिंग शो रहा है, कुछ ही देर में ये कंप्लीटेड शो होगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं फाइनली हमारा डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस फाइल को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालने का और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है डाउनलोड करने का, इस पर डाउनलोड कर पे क्लिक कर देते हैं और ओपन करके देख लेते हैं फाइल को। देखिए यहाँ पे फाइल अब हमें शो हो रही है, इसको ओपन करके देखते हैं क्या क्या हमारा बैकअप आया है। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हमारे यहाँ पे बैकअप आ चुका है। प्रोफाइल पिक्चर ओपन करके देखते हैं, देखिए हमारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे बैकअप आप मिल चुका है। सिमिलरली हमारी 2 कवर फ़ोटोज़ थी, वो भी यहाँ पे बैकअप आ चुका है। और जितने भी लाइक्स, रिएक्शंस थे, वो यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सभी डेटा बैकअप ले सकते हैं। देखिए मैसेजेस इनबॉक्स के अंदर हमने जिससे भी बात करी है, वो सभी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा बैकअप ले सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना और कंटिन्यू करना है। देखिए आए एक बारी और आपसे कन्फर्मेशन फेसबुक पूछ रहा है कि आप कन्फर्म्ड हैं परमानेंट अकाउंट डिलीट करने के लिए, तो हम यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों अब हमारा अकाउंट यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है योर अकाउंट इज़ स्केड्यूल फॉर परमानेंट डिलीशन। अगर आप 30 डेज के अंदर दोबारा से इस अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है इस अकाउंट को रिट्रीव करने का और डिलीशन को कैंसिल करने का। तो आप अगर इस अकाउंट को अगेन रिकवर करना चाहते हैं तो विद इन 30 डेज आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।